हेलो गाइज, वेलकम बैक टू प्रियांश गैराज। तो दोस्तों, आज रिव्यू करने वाले हैं टाटा टियागो के बारे में, जिसमें मिलती है आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग। आज कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं टाटा टियागो के XT CNG वेरिएंट में, जिसकी प्राइसिंग की बात कर ली जाए तो ये पड़ती है आपकी 7,10,000 की एक्स शोरूम और 8,25,000 देके आप इसको लखनऊ के अंदर अपने घर ले जा सकते हो। कलर ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको ग्रे, वाइट, ब्लू, रेड, प्लम ऐसे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टार्टिंग प्राइस की बात कर लीजिए तो यहाँ पर आपको 5,45,000 से लेकर 7,90,000 तक शोरूम प्राइस मिलने वाला है। वेरिएंट्स आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, बट अभी आप इसका XT CNG वेरिएंट देख रहे हैं। मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर लीजिए तो यहाँ पर मिलता है आपको 1.2 लीटर का रेवट्रॉन पेट्रोल इंजन, 85 BHP की पावर, 113 Nm का आपको टॉर्क मिलने वाला है। CNG की पावर की बात कर लीजिए तो 73 BHP, 95 Nm का टॉर्क मिल जाएगा आपको। पेट्रोल मिलती है आपको 23 तक की माइलेज और CNG में आपको 26 तक की माइलेज मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के की फॉब की, तो यहाँ पर आपको ऐसी कुछ फ्लिप की देखने को मिल जाएगी, जिसमें पीछे मिलती है आपको टाटा का लोगो, यहाँ पर मिलता है आपको लॉक अनलॉक, बीच में फॉलो मी हेडलैम्प्स का बटन मिल जाएगा। ऐसी कुछ आपको फ्लिप की मिल रही है XT वेरिएंट में। 2 साल और 75,000 किलोमीटर्स की वारंटी दी जा रही है टाटा की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लीजिए तो ऐसी कुछ आपको फ्रंट प्रोफाइल मिलने वाली है। सेंटर मिलता है आपको काफ़ी बड़ा सा टाटा का लोगो, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल ऑफर की जा रही है ऐसे कुछ एरो डिज़ाइन में। नीचे मिलती है आपको क्रोम सराउंडिंग, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। नीचे मिलती है आपको लोअर ग्रिल, जो कि पूरी ब्लैक फिनिश में आपको मिल जाएगी। सामने से ऐसा कुछ फ्रंट फेशिया नज़र आने वाला है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर मिलता है आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। बॉडी कलर पर मिलता है आपको बम्पर में मिलता है आपको टोइन हुक का ऑप्शन। गाड़ी की नाइट विजिबिलिटी की बात कर लीजिए तो यहाँ पर आपको हेलोजन का पूरा सेटअप मिल जाता है। हेलोजन हेडलैम्प्स ऑफर किए जा रहे हैं आपको। साइड में मिलती है आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट। नीचे मिलता है आपको फॉग लैम्प के लिए हॉच, आप एसरीज में या आफ्टर मार्केट इसमें फॉग लैम्प लगवा सकते हो। विंग शील्ड आपको काफ़ी बड़ी मिलने वाली है, विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया मिलती है अंदर से। विंग शील्ड मिलती है आपको CNG का स्टिकर, ड्यूअल वाइपर विद ड्यूअल वॉशर का आपको यहाँ पर सेटअप मिल जाएगा। रूफ में मिलता है आपको पावर एंटीना। अब बढ़ते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल, जब साइड से देखते हैं टियागो के XT CNG वेरिएंट को, तो साइड में आप जैसे आते हो आपकी सबसे पहले नजर जाती है टायर्स पे, तो यहाँ पर आपको 14 इंचेस के हाइपर स्टील व्हील्स ऑफर किए जा रहे हैं। ये अलॉय व्हील्स नहीं है, अलॉय व्हील जैसे लगते हैं, जो कि मिलता है आपको ड्यूअल टोन कलर में। सेंटर मिलता है आपको टाटा का लोगो, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट फिनिश। इतना कुछ आपको सस्पेंशन का ट्रेल मिल जाएगा। टायर सेशन की बात करिए तो 175/65 R14 का पूरा टायर सेशन आपको मिलने वाला है। गाड़ी के डायमेंशंस की बात कर लीजिए तो यहाँ पर आपको 3765 mm की लेंथ मिल रही है, 1677 mm की विथ मिल रही है और 1535 mm की यहाँ पर आपको हाइट ऑफर की जा रही है। ब्लैक कलर पे आपको ORVMs मिल जाएंगे। गाड़ी के व्हील बेस की बात कर लीजिए तो अगर मैं आपको नीचे बैठ के दिखाऊँ तो यहाँ पर मिलता है आपको 2400 mm का व्हील बेस। तो अंदर आपको क्या कुछ स्पेस मिलता है इसके केबिन में, वो भी हम लोग आगे कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के ORVMs की, तो ऐसे भी मिलता है आपको ब्लैक कलर पे ORVMs। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन आपके यहाँ पर मिल जाता है, फोल्डेबल का ऑप्शन आपको मैनुअल मिल जाएगा, टर्न इंडिकेशन आपको इसी में ही मिल जाती है, क्योंकि मिलती है आपको यहाँ पर साइड में। विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है आपको अंदर से आप इनको पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। रूफ में मिलता है आपको पावर एंटीना। बी पिलर आपको ऐसा कुछ ब्लैकआउट मिल जाएगा। बॉडी कलर पर डोर हैंडल्स। ब्रेकिंग की बात कर लिया तो इसमें आपको रियर व्हील्स में ड्रम और फ्रंट व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं। ऐसा कुछ मिलता है आपको यहाँ पर फ्यूल फिलर कैप, 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात कर लीजिए तो ऐसी कुछ आपको रियर प्रोफाइल मिलने वाली है, काफ़ी बड़ी सी मिलती है आपको विंडशील्ड। सेंटर मिलता है आपको हाई माउंटेड स्टॉप लाइट, वोकल फॉर लोकल का स्टिकर, यहाँ मिलता है आपको CNG का स्टिकर। डिफॉगर वाइपर आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किया जा रहा है। सेंटर में मिलता है आपको टाटा का लोगो, नीचे मिलती है आपको TIO की बैजिंग, यहाँ पर अपनी आपकी इंसर्ट करके अपने बूट को ओपन कर पाएंगे। नीचे कोई भी रिवर्स कैमरा ऑफर नहीं किया जा रहा है आपको। दो मिलते हैं आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। साइड मिलती है आपको ICNG की बैजिंग। गाड़ी के टेल लैम्प्स की बात कर लीजिए तो यहाँ पर आपको हेलोजन टेल लैम्प्स ऑफर किए जा रहे हैं। टर्न इंडिकेटर रिवर्स लाइट की पोजीशन आपको इसी में मिल जाती है। अब बढ़ते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ, तो यहाँ पर ऑफर की जा रही है आपको फ्लिप की। अपनी की से आप बूट को ओपन कर पाएंगे, अपनी की को यहाँ पर इंसर्ट करके अपने बूट को एक्सेस कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको मिलता है CNG टैंक, जिस वजह से आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आपको पार्सल ट्रे ऊपर देखने को मिल जाती है, जिसमें आप थोड़ा अपना सामान रख सकते हैं। नीचे मिलता है आपको CNG का टैंक, उसके नीचे मिलता है आपको स्पेयर व्हील। इस लीवर से अपने सीट को आप फोल्ड कर पाएंगे। आगे का पूरा केबिन आप देख सकते हैं, जो कि हम लोग आगे कवर करेंगे। बूट को करते हैं बंद।
अब बढ़ते हैं गाड़ी की पैसेंजर सीटिंग तरफ। अंदर से बैठ के सारे फीचर्स को कवर करते हैं। तो ऐसे कुछ मिलता है आपको बॉडी कलर पर डोर हैंडल्स। डोर ट्रिम की बात कर लिया तो यहाँ पर आपको ड्यूअल ट्रंक में डोर्स मिलने वाले हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फिनिश आपको मिल जाती है। ऐसा कुछ मिलता है आपको डोर ओपनर, उसी के बाद में लॉक अनलॉक, ट्विटर की प्लेसमेंट, पावर विंडो कंट्रोल, थोड़ा स्पेस, बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट। अंदर आपको इतना कुछ स्पेस मिलने वाला है। दो हेडरेस्ट मिलने हैं रियर में, फिक्स्ड आप इनको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। पूरी सेटिंग आप देख सकते हैं, इतना कुछ आपको लेग में स्पेस मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं गाड़ी की ड्राइवर सीटिंग तरफ। अंदर से बैठ के सारे फीचर्स को कवर करते हैं। तो ऐसे कुछ मिलता है आपको बॉडी कलर पर डोर हैंडल्स। यहाँ पर अपनी आप की को इंसर्ट करके गाड़ी को लॉक अनलॉक कर पाएंगे। डोर ट्रिम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ब्लैक एंड व्हाइट फिनिश आपको मिल जाती है। ऊपर की तरफ मिलता है आपको ओआरएम कंट्रोल, एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है आपको, सिर्फ फोल्डेबल का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। डोर ओपनर, लॉक अनलॉक, पावर विंडो के सारे कंट्रोल, थोड़ा स्पेस, बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट। फ्रंट सेटिंग की बात कर लिया तो इतना कुछ आपको स्पेस मिल जाएगा फ्रंट में। पूरी सीटिंग पोजीशन आप यहां से देख सकते हैं। दो हेडरेस्ट मिलने आपको एडजस्टेबल, हाइट एडजस्ट, रिक्लाइन, दोनों का ऑप्शन आपको यहां पर मिलने वाला है। नीचे मिलता है आपको फ्यूल एंड बोनेट ओपनर, मैनुअल के ABC पेडल्स, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपके पास है बट CNG में आपको नहीं मिलेगा बोनेट ओपनर। ऐसे मिलते हैं आपको AC के पैनल्स। ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद ऐसा कुछ नजर आने वाला है फ्रंट डैशबोर्ड, जो कि दिया जा रहा है आपको ड्यूअल टोन कलर में। ऐसे कुछ मिलती है आपको ब्लैक फिनिश, नीचे मिलती है आपको ऐसी कुछ फिनिशिंग। आगे विजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो काफी बढ़िया आपको विजिबिलिटी मिलने वाली है। बम्पर टू बम्पर आप इसको आराम से ड्राइव कर पाएंगे। ऐसा कुछ मिलता है आपको यहाँ पर क्लस्टर, तो यहाँ पर मिलता है आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सारी चेकलाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बीच में मिलता है आपको काफी बड़ी सी MID जिसमें मिलता है आपको स्पीडोमीटर। अपनी MID को आप अपने साइड में मिलता है आपको लीवर, इस लीवर के थ्रू अपनी MID को कंट्रोल कर पाएंगे। ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज, माइलेज सभी कुछ यहाँ पर आपको मॉनिटर करता है। ये तो होगी क्लस्टर की बात। स्टीयरिंग की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ स्टीयरिंग मिलने वाला है। सेंटर में मिलता है आपको काफ़ी बड़ा ऐसा टाटा का लोगो। यहाँ पर मिलता है आपको मल्टीमीडिया के सारे कंट्रोल्स। यहाँ पर मिलते हैं आपको हॉर्न की प्लेसमेंट, वाइपर्स के कंट्रोल। राइट साइड मिलता है आपको हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल्स, AC के इवेंट्स। ये तो हो गई स्टीयरिंग की बात। सेंटर की बात कर ली जाए तो सेंटर में मिलता है आपको ऊपर की तरफ दो AC के इवेंट्स। हेजल लाइट का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, उसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर पाएंगे। उसी के नीचे मिलता है आपको 2 DIN का टच ऑडियो सिस्टम, ब्लूटूथ ऑक्स, सबकी कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप इसको यहाँ पर प्रेस करके कंट्रोल कर पाएंगे। उसी के नीचे मिलता है आपको CNG का बटन, AC के सारे कंट्रोल्स। उसके नीचे मिलता है आपको 12 वॉट का सॉकेट, उसके बगल में USB सॉकेट भी दिया जा रहा है। नीचे मिलता है आपको थोड़ा स्पेस। अभी आप देख रहे हो उसके 5 गियर मैनुअल स्पीड ट्रांसमिशन को, मैनुअल हैंड ब्रेक्स, 2 कप होल्डर्स। ग्लव बॉक्स की बात कर लिया तो कूल्ड ग्लव बॉक्स ऑफर किया जा रहा है आपको। साइड में मिलता है आपको ग्रैब हैंडल, पैसेंजर साइड मिलता है आपको वैनिटी मिरर। ड्राइवर साइड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको कोई वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जा रहा है। यहाँ मिलते आपको माइक की प्लेसमेंट, मैनुअल डे नाइट IRBM। तो यही था इसके अंदर का ओवरऑल पूरा इंटीरियर, कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। अब निकलते हैं गाड़ी के बाहर, बात कर लेते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स एंड प्राइसिंग के बारे में। तो इसमें आपको ABS, OTPD, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सीट लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन एम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक। इसी के साथ इसमें आपको फ्रंट के 2 एयरबैग्स मिल जाएंगे। तो अपने सेगमेंट की सबसे सेफेस्ट कार है टाटा टियागो, बिकॉज इसमें मिलती है आपको ग्लोबल NCAP 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग। और प्राइसिंग की बात आती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, ये पड़ती है आपको 7,10,000 की एक्स शोरूम, और 8,25,000 देके आप इसको अपने घर ले जा सकते हो लखनऊ के अंदर। तो यही थे टाटा टियागो अपने सेगमेंट की सेफेस्ट कार, कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देगा। एंड स्पेशल थैंक्स टू SRM मोटर्स स्टेशन रोड 4 बाग लखनऊ, जिन्होंने मुझे से कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी टाटा कार्स विजिट दिस शोरूम। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मैं प्रिंसिपल आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।